यार इंग्लिश ही तो है, इंग्लिश तो हम बहुत आराम से कर लेंगे, उसके लिए अभी से पढ़ने की थोड़ी जरूरत होती है। इंग्लिश तो एंड में कर लेंगे। अरे एंड में हो जाएगा यार, अभी तो मैथ साइंस कर लें। मैथ साइंस तो वही कैसे करेंगे, बहुत सारा सिलेबस। ये बात बताओ आप लोगों के लिए बिल्कुल करेक्ट है या नहीं? ये मोस्टली बच्चों की मेंटेलिटी होती है, भाई यार इंग्लिश है, इंग्लिश तो आसान सब्जेक्ट होता है, ये तो एंड में कर लेंगे, उसके लिए अभी से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितनी टेंशन है वो तो हम मैथ्स और साइंस के लिए ही लेंगे। क्यों भाई? भाई जब पांचों सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करोगे तभी तो टॉप पर पहुंचोगे। अगर एक भी सब्जेक्ट आपने बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया, बिल्कुल बाद के लिए रिलाय कर दिया, तो उस सब्जेक्ट में वो एक रिस्क हो सकती है। देखो बच्चों, रिस्क हो सकती है, हो सकता है कि आप लोग लास्ट मोमेंट पढ़ के भी अच्छे मार्क्स ले आओ, लेकिन हम वो रिस्क भी क्यों ले? हम तो अभी से बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपेयर करेंगे इंग्लिश के लिए भी, ताकि भाई इंग्लिश में भी हम अच्छे मार्क्स लेकर आए। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए भाई हमारे क्या फेज होने चाहिए? सबसे पहली चीज भाई MCQs को प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन बैंक से। आपके CBSE ने इंग्लिश का भी एक क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है CBSE की वेबसाइट पर, तो बच्चों आप उसमें से जो क्वेश्चन बैंक है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है, वो प्रैक्टिस कर लो और अभी से करना स्टार्ट कर दो। अगर आप लोगों को चाहिए कि वो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि भाई क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व कराया जाए, तो मैं ज़रूर आपका क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। दूसरी चीज, फॉलो द राइट बुक फॉर CBSE क्लास 10th इंग्लिश। ऐसा नहीं है दुनिया भर की बुक्स के पीछे भाग रहे हैं। प्रॉपर इंग्लिश की भाई आपके स्कूल के टीचर से कंसल्ट करो, प्रॉपर इंग्लिश की जो बुक है उसको उसमें से पढ़ो, एंड स्टिक टू ओनली वन बुक। ऐसा नहीं है 10-15 बुक खरीद लिए और उसमें ही लगे जा रहे हैं, नहीं, ठीक है। तीसरी चीज, रेगुलरली प्रैक्टिस करना। अगर रेगुलरली नहीं भी हो रहा है तो एक दिन छोड़ के एक दिन प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस तो करो, चाहे 10 मिनट के लिए ही करो, लेकिन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। एंड गेट एक्वेंटेड विद द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। ऐसा पहली बार होगा कि इंग्लिश में भी 4 सेक्शन है, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन एंड लिटरेचर पार्ट, तो काफ़ी सारा है, तो अभी से पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। और उस पढ़ने के लिए, वो प्रिपरेशन के लिए जो चीज़ें हमें याद रखनी है वो ये हैं। तो उस प्रिपरेशन के लिए भाई हमें क्या क्या देखना है? सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो है, जो आता है हमारे पास, जो अनसीन पैसेज आता है, ठीक है। तो ये वाला जो सेक्शन होता है आपका, रीडिंग सेक्शन वाला पार्ट, तो यार ये बच्चों ना बहुत स्कोरिंग होता है इसमें, बस बहुत लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट लगता है बाकी सबसे। तो जितना हो सके हर एक हफ्ते में कोशिश करो, एक आध पैसेज ले लिया, उसको प्रैक्टिस कर लिया, और कोशिश करो कि वही पैसेज उठाओ आप जो MCQ फॉर्म में हो, ठीक है। दूसरा पार्ट आता है भाई आपके राइटिंग स्किल्स के ऊपर, तो उसमें ध्यान रखो भाई, फॉर्मेट पे बिल्कुल स्टिक रहना है, स्ट्रिक्टली रखना है भाई। आपका जो फॉर्मेट है वो आपको पता होना चाहिए, जितने क्वेश्चंस आते हैं वो किस फॉर्मेट में, कितने कितने नंबर में डिवाइडेड है, और फॉर्मल लेटर्स जो हैं उनके जो फॉर्मेट्स हैं वो क्या हैं। अभी हमें पता नहीं कि इस टाइप में किस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको तो जितना आ रहा है मेनली फॉर्मल लेटर में भाई, जो फॉर्मेट है वो तो आपको अच्छे से पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका ग्रामर पार्ट, तो उसके लिए एक अच्छी ग्रामर की मैनुअल ले लो, वो आप फॉलो करो, और जितने भी फंडामेंटल रूल्स हैं उसकी तो एक छोटी डायरी बना लो, ठीक है बच्चों। भाई ये आगे भी आपके काम आएगी भाई। आपका जो फर्स्ट पार्ट है भाई, फर्स्ट चैप्टर कौन सा आपका, टेंसेस, ठीक है, टेंसेस ले लो, टेंसेस के जितने भी रूल्स हैं, ठीक है, वो सारे प्रॉपरली एक नोटबुक में लिख लो, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो विद इन फ्यू वीक्स हम आपके टेंसेस का भी लेक्चर लेके आने वाले, तो वहाँ पर आपको उसके सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप अभी से प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रॉपर एक कॉपी मेंटेन करो, जिसमें ग्रामर के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सारे रूल्स एक जगह आ जाए, और स्टडी द बेसिक रूल्स एंड अटेम्प्ट एज मैनी एज क्वेश्चंस एज पॉसिबल, ठीक है। और गलती होती है तो देखो मैंने कहाँ गलती की है और वो रूल क्या कहता है जिसकी वजह से ये गलती हुई, ठीक है, चलो। और जो आपका लास्ट पार्ट आता है वो आता है बच्चों लिटरेचर पार्ट, जहाँ पर प्रोबेबली मतलब आपसे क्या पूछा जाता है, जनरली या तो एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे या कंटेंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपके पास
अभी बहुत टाइम है कि आप अपने आप को फैमिलराइज कर लो कि भाई आपका जो भी मटेरियल है, लिटरेचर पार्ट है, उसमें किस किस टाइप के कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चन आने वाले हैं, और उसके लिए जितना हो सके क्वेश्चन बैंक से सॉल्व करो क्वेश्चंस को, ठीक है। और एक जनरल टिप है, कोशिश करो कि डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ो, टॉपिक्स पढ़ो किसी फिलॉसफी के, इवन जो साइंस फिक्शन होते हैं, ये सब पढ़ने से क्या होता है, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती है और आपको नए नए वर्ड्स पता चलते हैं, और ये देखना आपके बोर्ड एग्जाम में भी काम आएंगे। तो इंग्लिश के लिए बच्चों ये कुछ टिप्स है जो बिल्कुल ध्यान रखो।